नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो बिहार शिक्षक भर्ती एक बार फिर से इस पे कहीं ना कहीं मामला गर्म हुआ है। ये है बिहार शिक्षक भर्ती जो प्राइमरी वाली है। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और एनसीटीई ने एक जो मेल किया सभी राज्यों को कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी को सभी लोग माने और बीएड को एक तरह से प्राइमरी के लिए नॉट एलिजिबल करार दिया जाए, तो यहीं पर बिहार जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बीएड बच्चों के साथ खड़ी है अभी भी। बाकी राज्य सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसी को मानते हुए पीछे हट गई, बीएड मामले को फिर उस पर कोई आवाज नहीं उठाया गया। लेकिन बिहार सरकार का ये देखने को मिला है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है इस मामले को लेकर, और क्या कहा जा रहा है इस मामले में ध्यान दीजिएगा। पटना हिंदुस्तान का यह है, बीएड डिग्री धारकों के प्राथमिक, ठीक है, यहां पर ध्यान से पढ़िए आप लोग, इस न्यूज़पेपर का कटिंग है। प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर की गई है। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मतलब इनके कहने का मतलब है ये चीजें कि जो अगर फैसला जब नहीं आया था तभी आपका क्या हो गया था, यहां पर नियुक्ति जो है स्टार्ट हो गई थी, प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। तो इस बाबत महाधिवक्ता पी के शाही ने बताया कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था और प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक बीएड डिग्री धारी हैं। ये समझ रहे हो, जितनी नियुक्ति हुई है जिसमें से 3,76,000 बिड्री जो हैं आपके बीएड हैं प्राइमरी में, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्री धारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करें, आगे की बहाली में इन्हें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। ये इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके फैसले का एक तरह से बोला जाए हम आपके फैसले को मानते हैं, लेकिन आपके फैसला आने से पहले हमने जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया था और उस नोटिफिकेशन पे बकायदे लिखा भी गया था कि बीएड वाले वैलिड होंगे और यहां पर 3,76,000 आवेदकों ने, बीएड धारकों ने यहां पर अप्लाई किया। तो कहीं ना कहीं इनके भविष्य को लेकर बिहार सरकार पहुंची है और बोली है कि अब आगे की बहाली, शिक्षक बहाली में इनको नहीं लिया जाएगा, लेकिन अभी जो भर्ती हुई है, जो फैसला आने से पहले उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था उस पे सुप्रीम कोर्ट एक बार विचार विमर्श करे और फिर कुछ इन लोगों के भविष्य को लेकर फैसला सुनाए। अब चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, एक बार जो चीज़ें हो गई हैं और कहीं ना कहीं उसको एनसीटीई ने भी अपने तरफ से लेटर जारी कर दिया सभी राज्यों को। अब देखते हैं कि इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। बाकी कोई भी अपडेट मिलता है तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। आपके जो भी प्रश्न होंगे वो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बिहार में एक और बड़ी शिक्षक भर्ती आ रही है, 6 से 8 की शिक्षक भर्ती जल्द आने वाली है। आप सभी लोग उसके लिए तैयार हो जाए, जितने भी बीएड वाले हैं 11, 12 और 9, 10 की भी भर्तियाँ आ रही हैं। तो ऑलमोस्ट आप लोग फिर से एक बार बिहार में शिक्षक बनने का मौका आपको फिर मिलेगा बीएड वालों को 6 से 8 में। तो सभी लोग तैयार रहें, अभी 6 से 8 आ रही है। बाकी अगर इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट कुछ विचार करती है तो हो सकता है इसमें भी कुछ आप लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले। अभी तो हम बस इतना कह सकते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं उसी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। कोई समस्या, कोई दुख दर्द हो तो ज़रूर बताइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।